चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था मेथड्स ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग में, वो कैसे इशू करते हैं, कौन से प्राइस में इशू किए जाते हैं मटेरियल्स प्रोडक्शन को या वर्क ऑर्डर को या जॉब ऑर्डर को बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो उसमें मैंने आपको दो मेथड जो मेन थे करवाए थे आपको, फीफो एंड लीफो। अब जो बाकी के मेथड्स हैं वो भी हम करेंगे। उसमें आपको लीफो, फीफो, लीफो के बाद अगर आप इसको कैटेगरी वाइज बांटें तो सबसे पहले आ जाते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड में आपका आ जाता है फीफो एंड लीफो। और उसके बाद अगर हम देखें तो बात करेंगे हम बेस स्टॉक की। सो सबसे पहले फीफो आ जाएगा, लीफो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस मेथड, और बाद में आ जाएगा बेस स्टॉक। बेस स्टॉक कौन सा मेथड है? बेस स्टॉक में हम कुछ क्वांटिटी फिक्स रख लेते हैं, दैट विल बी ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, और वो फिक्स एसेट के जैसे काम करेंगे, फिक्स एसेट के जैसे ही शो की जाती है। तो जो बेस कुछ रिजर्व कैटेगरी जो स्टॉक की वो रख ली जाती है, और जो बाकी की क्वांटिटी है, जैसे समझ लीजिए हमने 200 यूनिट्स दी आपकी, 200 में से 100 हमेशा फिक्स रखनी है आपने, दैट विल बी ऑन कॉस्ट प्राइस, और जो बाकी की क्वांटिटी है वो इशू की जाती है, और वो क्वांटिटी आप लीफो या लीफो दोनों मेथड किसी भी तरीके से वो क्वांटिटी इशू कर सकते हैं। तो ये भी कॉस्ट प्राइस मेथड है। और एडवांटेज डिसएडवांटेज जो यही है कि एनी क्वांटिटी ओवर एंड अबव द बेस्ट स्टॉक इज इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद द अदर मेथड विच इज यूज इन कंजंक्शन विद दिस मेथड। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मेथड का? दैट टू इशू द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द करंट प्राइस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेस्ट स्टॉक मेथड इज टू इशू द मटेरियल एट करंट प्राइस। और जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव किया जाता है उसमें आप लीफो या फीफो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। और ये जो बेस स्टॉक जो रिजर्व किया जाता है, दैट बेस स्टॉक इज टेकन आउट ऑफ द फर्स्ट लॉट ऑफ द मटेरियल परचेज। जो आप मटेरियल पहले परचेज कर रहे हैं उसी में से कुछ क्वांटिटी एज ए बेस स्टॉक, एज ए रिजर्व स्टॉक रख ली जाती है, और उसके अबव जितनी भी क्वांटिटी आप रिसीव कर रहे हैं वो इशू की जाती है। तो ये है बेस स्टॉक मेथड। आपको किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बेस स्टॉक की 200 यूनिट्स दी हैं और आपका है ओपनिंग स्टॉक 500, तो 200 आपने रख लेना है, बाकी जो 300 सरप्लस है दैट यू कैन इशू एज पर फीफो और लीफो, वॉट एवर इज द केस और वॉट एवर इज द प्रॉब्लम। अब हम आगे मेथड्स देखेंगे। अगर हम एवरेज प्राइस मेथड में देखें तो आपके सामने है सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तो हम एज पर अगर हम चले एज पर एवरेज प्राइस मेथड, तो आपके पास है सिंपल एवरेज मेथड जिसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाला प्राइस। और दूसरा है सिंपल एवरेज के बाद आपका आ जाता है वेटेड एवरेज मेथड। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए अगर आपने समझ लीजिए खरीदे हैं प्राइजेस आपने लिए हैं 50 प्राइस पहली बार लिया, समझ लीजिए पहली क्वांटिटी का, दूसरी क्वांटिटी का आपने दूसरे लॉट का आपने लिया 30 प्राइस, और तीसरी क्वांटिटी का आपने 40 प्राइस लिया है। और अगर अभी आपने इशू करना है सिंपल इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका प्राइस आ जाएगा 5 × 8 + 140, आपका 40 रुपीज इसका प्राइस आ जाता है। अब देखिए एवरेज में आपने बस ऐड करना है टोटल, तो और डिवाइड करना है नंबर ऑफ बैचेस या नंबर ऑफ प्राइजेस जो आपने लिए हैं, तो आपका आ जाएगा सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज मेथड जो है इतना फॉलो नहीं किया जाता है बिकॉज दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इशू प्राइस डज नॉट कवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल की क्वांटिटी को भी ये कंसिडर नहीं करता है, और इसलिए हमारे सामने आगे जो इम्प्रूव मेथड है वो है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में आपने क्या करना है? वेटेड एवरेज प्राइस इज दैट प्राइस विच इज कैलकुलेटेड by dividing the total cost of material in the stock from which the material to be priced could be drawn by the total quantity of material. तो इन दोनों में ये फर्क है कि इसमें हम quantity भी लेते हैं और price भी लेते हैं। तो आपने यहाँ पर समझ लीजिए 50 के साथ आपके पास 100 quantity थी, plus 30 के साथ आपके पास quantity 200 थी, plus 40 के साथ आपकी quantity जो थी वो समझ लीजिए 100 थी फिर से। तो अब कैसे करेंगे हम? देखिए आपके सामने प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और नीचे जो हमने लेना है वो टोटल क्वांटिटी लेनी है, 100 + 200 + 100 या आपका आ जाएगा 400। इसको आप कैलकुलेट कीजिए,
डिवाइडेड बाय 400 बिल्कुल 0 कट गए, 4312 हो गया और 34728 पॉइंट, जब आपने मल्टीप्लाई किया 30 के आगे तो 0.50, तो 37.50 आपका आ गया वेटेड एवरेज। दिस मेथड इज इंप्रूव्ड मेथड रादर देन सिंपल एवरेज, व्हाई? बिकॉज़ दिस मेथड इज रैशनल, सिस्टमैटिक है, इसमें आप क्वांटिटी और क्वालिटी और इसमें किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। और ये जो मेथड है दिस इज़ ए बेस्ट मेथड। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि आपको हर बार फ्रेश रेट कैलकुलेट करना पड़ता है, तो क्लैरिकल वर्क बहुत ज़्यादा है इसमें, और जब राइजिंग प्राइजेस होते हैं देन इन दैट केस ओवरस्टेट्स प्रॉफिट, व्हाई? बट नॉट एज मच एज बिफोर, व्हाई? बिकॉज एवरेज प्राइस इज लोअर देन द मोस्ट रीसेंट प्राइस, और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आप करंट प्राइस में वैल्यूएट नहीं कर पाते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपके पास मेथड्स हैं वो है नॉशनल प्राइस मेथड। नॉशनल प्राइस मेथड में आपकी जो आएंगे, देखिए हमने किया एवरेज प्राइस मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड, तो यहाँ पर लिख ही लेते हैं। पहला जो हमने कवर किया है वो किया है कॉस्ट प्राइस मेथड, जिसे हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस मेथड, जिसमें हमने लिफो फिफो और बेस स्टॉक कर लिया था। सेकंड हमने किया कि कवर कर रहे हैं किया हमने यहाँ पर एवरेज प्राइस मेथड, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, अभी बताया आपको सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, जबकि इसमें हमने कवर किया था फिफो लिफो एज वेल एज बेस स्टॉक। जो अगली कैटेगरी है उसमें क्या आएगा, अगली कैटेगरी में आएगा नॉशनल प्राइस मेथड, तो अगली कैटेगरी में आ जाता है नॉशनल प्राइस मेथड। अब इसमें हम कौन कौन से मेथड देखेंगे, आपका मटेरियल कॉस्टिंग के, तो इसमें जो आपके मेथड आ जाएंगे स्टैंडर्ड प्राइस, एक तो आ जाएगा आपका यहाँ पर लिखा है मैंने स्टैंडर्ड प्राइस, और दूसरा आ जाएगा आपका इन्फ्लेटेड प्राइस, तो इसमें इन्फ्लेटेड प्राइस ये, तो ये जो है इसका ये नॉशनल का हो जाता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस भी हो जाता है। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस को ही कंसिडर कर रहे थे, चाहे फिफो था चाहे लिफो था। अब यहाँ पर जो हमने कंसिडर करना है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड किसे कहते हैं, उसको हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस है, एन इशू विल बी वैल्यूड एट दिस प्राइस ओनली। जो जो आप इशू करोगे आपने पहले से सर्वे करके या आप कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी करके, आपने प्रॉपर डिस्कशन के बाद प्रॉपर सोचने के बाद आपने एक प्राइस निकाला है, और जिसे हम कहेंगे प्री डिटरमिन्ड प्राइस, दैट विल बी स्टैंडर्ड प्राइस, और आपने स्टैंडर्ड प्राइस में ही जो है गुड्स को इशू करना है, और जो डिफरेंस आ जाएगा एक्चुअल और स्टैंडर्ड में उसको जो वेरियंस आएगा दैट विल ऑलवेज बी, उसको आपने एक अकाउंट जो प्राइस वेरियंस अकाउंट है, परचेज प्राइस वेरियंस अकाउंट है, उसको आपने चार्ज करना है। स्टैंडर्ड प्राइस भी दो तरीके का हो सकता है, बेसिक स्टैंडर्ड प्राइस एंड करंट स्टैंडर्ड प्राइस। बेसिक स्टैंडर्ड प्राइस वो स्टैंडर्ड प्राइस है विच इज फिक्स फॉर लॉन्ग टाइम सो एज टू हेल्प फर्दर प्लानिंग, जबकि करंट स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो बेसिक स्टैंडर्ड प्राइस है विच हैज बीन एडजस्टेड टू प्रोवाइड द परमानेंट चेंजेस इन कॉस्ट इन अकाउंट। जो भी कॉस्ट अकाउंट में कुछ आप चेंजेस आई हैं उन चेंजेस को या जो प्रिवेलिंग ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उसकी बेसिस के ऊपर हम जो आपका बेसिक स्टैंडर्ड करंट बेसिक स्टैंडर्ड प्राइस है वो करते हैं फिक्स। तो स्टैंडर्ड प्राइस डज नॉट रिकवर द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, फिर से ये याद आता है, क्यों? क्योंकि आपको मटेरियल जो है आप कॉस्ट प्राइस में इशू नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इसको किस में इशू कर रहे हैं, जो कि प्री डिटरमिन्ड प्राइस में इशू कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है कॉस्ट प्राइस से। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि मटेरियल प्राइस वेरियंसेस की स्टॉक एडजस्टमेंट करने की प्रॉब्लम जो है इस मेथड में आ जाती है, एंड दिस मेथड इज़ नॉट वेरी इजी टू ऑपरेट। तो ये मार्केट प्राइस वेरियंसेस इसको आप यूज़ कर सकते हैं मटेरियल कॉस्ट के मैनेजमेंट के लिए, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। आगे जो आपका आ जाता है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड भी हम देख लेते हैं। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड जो है ये
कुछ ऐसे मटेरियल हैं विच आर सब्जेक्ट टू नेचुरल वेस्टेज, उन केसेस में हम इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड यूज करते हैं। मटेरियल लॉस हो रहा है क्योंकि आप लोड कर रहे हो, अनलोड कर रहे हैं, जैसे अभी आप कांच का सामान देखें तो लोडिंग अनलोडिंग करते वक्त कितनी सारी ब्रेकेज हो जाती है, और टिम्बर लॉस हो जाती है क्योंकि सीजनिंग है, सीजनिंग के करके भी टिम्बर जो है उसमें भी लॉस आ जाता है, वेट में लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार के जो मटेरियल हैं इसे हम इशू करते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस में, जो कि लिटिल बिट हायर होते हैं देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मटेरियल। तो ये प्राइस हायर होते हैं एक्चुअल कॉस्ट से, ताकि आप जो भी नेचुरल जो वेस्टेज हुई है मटेरियल में उसको क्या कर सके, रिकवर कर सके, और इस वे में आपका जो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल है वो रिकवर कर सकते हैं आप प्रोडक्शन से। फॉर एग्जांपल कोला लीजिए, कोले में भी ऐसा हो सकता है, तो अनलोडिंग लोडिंग करते वक्त वेस्टेज हो सकती है, ऐसे सभी मटेरियल में हम इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड जो कि लिटिल बिट हायर होता है ताकि आप रिकवर कर सकें कॉस्ट ऑफ वेस्टेज, तो वो अप्लाई किया जाता है। अब आगे हम चलेंगे जो हमारे अब बाकी के जो मेथड्स ले गए हैं, हमने इन्फ्लेटेड भी कर लिया, स्टैंडर्ड भी कर लिया, इसके अलावा हो सकता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस भी एक रिप्लेसमेंट प्राइस है और रिलायबल प्राइस है, और ये रिप्लेसमेंट प्राइस जो है यूज किया जाता है उन आइटम्स में विच आर हेल्ड इन स्टॉक फॉर यूज इन प्रोडक्शन, वाइल रिलायबल जो प्राइस है दैट इज यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज आइटम विच आर कैप्ट इन स्टॉक फॉर सेल। इस मेथड के अंदर जो है मटेरियल को इशू किया जाता है वो प्राइस में एट विच दे कैन बी रिप्लेस, हम मार्केट में लेने जाए जितने मार्केट में प्राइस मिल रहा है, वो चीज़ मार्केट में मिल रही है उसी प्राइस में हमने इशू करना है प्रोडक्शन को। इसमें ये मेथड जो डिस्क्लोज करता है कि वेदर आपकी बाइंग एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है, और अगर एफिशिएंसी है, अगर आपका मार्केट प्राइस हायर है कॉस्ट प्राइस से दैट मीन्स देयर इज एफिशिएंसी, और अगर आपका कॉस्ट प्राइस हायर है देन मार्केट प्राइस दैट मीन्स देयर इज इनएफिशिएंसी। एफिशिएंसी है कि इनएफिशिएंसी है वो पता चल जाता है, अगर आपका मार्केट प्राइस जिसमें आप इशू कर रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस से कम है दैट मीन्स इनएफिशिएंसी इज देयर, और अगर आप जिसमें मार्केट प्राइस आप जिसमें आप कर रहे हैं और मार्केट प्राइस आपका हायर है देन द कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स जो है देयर इज एफिशिएंसी। तो ये लेकिन ये फिर इसी मेथड का ये आ जाता है कि ये कॉस्ट ऑफ द मटेरियल को कवर नहीं करता है, व्हाई बिकॉज मटेरियल आर इशू एट द मार्केट प्राइस विच मे बी मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो ये जो है स्टोर लेजर में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर देता है बाय इंट्रोड्यूसिंग द एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस। कॉस्टिंग इज कंसर्न विद कॉस्ट एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉफिट ऑफ लॉसेज, एंड एज सच मटेरियल शुड नॉट बी इश्यूड एट द मार्केट प्राइस। कीपिंग इन व्यू दिस डिसएडवांटेज ये वाला मेथड जो है बहुत ही रेयरली यूज होता है। आगे अगर कोई मेथड रह गया है तो वो है हिफो मेथड। हिफो भी बहुत सिंपल है, अगर आप ये समझ लीजिए ये प्राइसेस है 50, 30, 40, तो आप हिफो प्राइस में हिफो मेथड में आप क्या करेंगे ये वाला प्राइस ले लेंगे। सिंपल बात है कि जो भी आपका हायर है प्राइसेस जितने आपने इशू की है मटेरियल उसमें हायर वाला प्राइस जो है हिफो में यूज होगा दैट इज हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बिकॉज अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक विच अमाउंट्स टू क्रिएट ए सीक्रेट रिजर्व। ये मेथड कब यूज होता है, इन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इस मेथड को यूज किया जाता है एज इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द कॉस्ट क्या कहते हैं प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर कोई रह गया है आप एक और देखेंगे स्पेसिफिक प्राइस मेथड और आइडेंटिफिकेशन मेथड, इनमें से हमने सभी कवर कर लिया है, सिर्फ ये रह गया आइडेंटिफिकेशन, ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका मार्केट प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस एंड ये रिटर्न मेथड हम बात नहीं करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन मेथड। आइडेंटिफिकेशन मेथड में मटेरियल जो इशू की जाते हैं प्रोडक्शन को दैट आर प्राइस एट देयर परचेज प्राइस। आइडेंटिफिकेशन में आपने जिसमें भी आपने परचेज किए मटेरियल उसी प्राइस में हम इशू करते हैं। दिस बेस अजम्पशन इन फॉलोइंग दिस मेथड दैट मटेरियल इन द स्टोर्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड। पर इसमें यह आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन से मटेरियल एक पर्टिकुलर जॉब के लिए यूज होने वाले हैं उसे आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो आइडेंटिफिकेशन कैन बी मेड बाय प्लेसिंग सम डिस्टिंग्विशन मार्क, कुछ आप मार्क लगा सकते हैं उस मटेरियल के ऊपर ताकि प्राइस टैग लगा सकते हैं ऑन एवरी लॉट सो दैट यू विल कम टू नो व्हाट इज द प्राइस एंड ऑन दैट प्राइस यू कैन इशू। ये बहुत ही सिंपल है मैकेनिज्म एंड ऑपरेशन में। आप देखिए आप दुकान में जाते हैं आपको प्रिंटआउट जो प्रिंटआउट प्राइस है उसी में आपको जो है सामान मिल जाता है। तो दिस मेथड इज जस्ट लाइक दैट ओनली, बट वी शुड नो
द प्राइस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर इज कैप्ट इन द स्टोर. तो ये मेथड डज नॉट क्रिएट अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेशन, किसी भी प्रकार की क्रिएट नहीं करता है, और इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं फीफो लीफो के साथ और एवरेज मेथड के साथ. ये मेथड बहुत यूजफुल है. वियर जॉब कॉस्टिंग इज इन ऑपरेशन, तो जॉब कॉस्टिंग के केस में एंड द एक्चुअल मटेरियल इशू कैन बी आइडेंटिफाई. इट इज ऑल्सो सुटेड इन द नीड्स ऑफ ए स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, जहाँ पर आप स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स जो है मटेरियल के परचेज कर रहे हो और स्टोर कर रहे हो. डिपार्टमेंट में आप किसी पर्टिकुलर जॉब में मटेरियल सरप्लस हो गए हैं, अगर वो स्टोर्स डिपार्टमेंट में वापस आ रहे हैं तो वो उसके लिए आपका क्या प्राइस देगा. तो सिंपल है, आपको इस दो तरीके से आप कर सकते हैं कि जिस प्राइस में आपने सेम प्राइस ऑफ इशू, जिस प्राइस में आपने मटेरियल इशू किए थे सेम प्राइस में भी ले सकते हैं, और जो अभी आपका चल रहा है प्राइस करंट प्राइस, उस प्राइस में भी आप मटेरियल को वापस ले सकते हैं. सेम प्राइस का मतलब है कि अगर मैंने आपको अगर स्टोर डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 5 रुपये में चीज दी थी तो वो अब वापस करते वक्त भी 5 रुपये में ही वापस लेगा. और करंट में ऐसा है कि जिसमें आप अभी दोबारा फ्रेश रिक्विजिशन दे रहे हो तो उस रिक्विजिशन कॉस्ट में लेगा, कॉस्ट उस रिक्विजिशन प्राइस में वो मटेरियल को वापस लेगा स्टोर डिपार्टमेंट. लेकिन ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट रिक्वायर होगी, आपको प्रोडक्शन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. इसीलिए जो आपका पहला वाला मेथड है कि एट द सेम प्राइस ऑन विच इट वॉज इशूड, तो ये वाला मेथड जो है ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा यूजफुल है. और वैसे भी जितनी भी स्क्रैप है, वेस्टेज हैं, डिफेक्टिव हैं, ये तो आपके ओरिजिनल मटेरियल के प्राइस के ऊपर ही वैल्यू होनी चाहिए. तो और इनको बिन कार्ड जो आपको मैंने बताया था, हर जिस बिन कार्ड एक ऐसा डिटेल है जो कि सारा स्टोर जो मटेरियल आप इशू कर रहे हैं या जो मटेरियल आपके पड़े हुए हैं स्टोर में, उन सारा की जो क्वांटिटी वाइज डिटेल है वो बिन कार्ड में दिया जाता है, उसी प्रकार से स्टोर लेजर में दिया जाता है. और ये सारी एंट्री जो है हम बिन कार्ड और स्टोर लेजर में एंटर करते हैं. तो मैंने आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म किया है आज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या किसी फैक्ट्री के लिए या किसी भी और. तो होप आपको मेरी ये वीडियो जरूर यूजफुल लगी होगी और आपको समझ में आया होगा डिफरेंट मेथड्स ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग. तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहुँचाइए ताकि वो घर बैठे जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का सारा सिलेबस कवर कर सकें और अच्छी तरह से समझ सकें. अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई कमेंट, आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि आपके सुझाव मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए. तो और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए. और मैं आने वाली वीडियो में हम आगे करेंगे मटेरियल कंट्रोल, तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए. थैंक यू वेरी मच.